टूडे टूडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमोरोपिड जी के स्टडी क्वेश्चन के आंसर हैं सतमला हिल्स लोकेटेड है महाराष्ट्र में राजस्थान में है ये खेतरी माइन्स कॉपर का यहां पर एक्सट्रैक्शन होता है थर्ड क्वेश्चन था कितने स्टेट्स और यहाँ पे हमें से रीफ्रेज करना चाहिए एंड यूटीज हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया शेयरिंग एन इंटरनेशनल बॉर्डर सो द आंसर इज सिक्सटीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख थुम्बा केरला में है इट इज़ फेमस फॉर रॉकेट लॉन्च ये पाँच रिवर है सतलज रावी ब्यास चेनाब एंड झेलम इन पाँच रिवर के कारण पंजाब का नाम पड़ा पंजाब पखई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है ये सारे राज्य हैं और यूटीज हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना इधर म्यांमार एंड दिस इज बांग्लादेश नौ आज के सवाल हैं विद रेफरेंस टू एस्ट्रोनॉमी विद रेफरेंस टू एस्ट्रोनॉमी वॉट इज दिस ओ दैट वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली ब्लू फ्लैग अभी कुछ ही दिन पहले ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था ब्लू फ्लैग इज ग्लोबली रिकोग्नाइज इको लेबल सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड होता है बीचेस को ये कौन सी कंट्री प्रोवाइड कराती है फ्रॉम विच कंट्री वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सु स्पेस ये अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ ही दिन पहले इनाग्रेट हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर ये है विच इंडियन पर्सनैलिटी का काला नमक राइस फेस्टिवल अभी लास्ट मंथ हेल्ड इन विच स्टेट किस राज्य में ये हुआ द लैंड पोर्टल द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ये किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है सो दीज आर क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबुलरी है ग्रिट ग्रिट का मतलब होता है यू हैव करेज यू हैव रिजोल्व यू हैव अ स्ट्रॉ कैरेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर टू गेट अवे विद मतलब एस्केप होना विदाउट एनी पनिशमेंट टू लेट डाउन मतलब डिसअपॉइंट करना इमपैटस इमपैटस का मतलब होता है वो फोर्स जो आपको एनकरेज कर रही है पर्टिकुलर एक्शन के लिए विच इज मेकिंग यू मोर एनर्जेटिक एंड इफेक्टिव ब्लेज ये टर्म अभी काफी न्यूज में आ रहा है डिजास्टर दैट इज फायर रेजिंग फायर इन फर्नो फ्लेम

through a back channel steps forward this is about lead article why the personal data protection bill matter this is bill 2019 we'll talk about this 24th october 2020 news as well decoding the data protection bill and we'll try one question as well This is a fragile ecosystem. Center to certify shrimp farms. This is bird spotting. Small savings में जो rate cuts हुए हैं तो elders के पास क्या option है अपने this saving से जो interest मिलता है FD etc will have a talk. This is deter adversaries don't alienate friends. More money poured in global equity. और ये हिंदी का article है जिसमें हम समझते हैं जन आरोग्य योजना को ये CSET के solutions हैं and these are questions.

एक ऐसे होंगे जो आपको एनकरेज करेंगे दे विल हैव फेथ इन योर एबिलिटी दे विल ऑलवेज़ बिलीव कि यू कैन डू बेटर सो दे विल काइंड ऑफ सपोर्ट यू एनकरेज यू सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल होंगे जो आपके वर्क के लिए थोड़ा क्रिटिकल होंगे बट क्रिटिकल होने के साथ साथ वो आपको गलतियाँ बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि क्या बेटर किया जा सकता था इनकी इंटेंशंस जेनवन होगी सो दे विल टेल यू कि ये कैसे बेटर हो सकता है दे विल ऑफर सॉल्यूशन एज वेल अब इसमें जो चीज़ आपको समझ में आती है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थर्ड होगा कैटेगरी जो एंट्रोपी क्रिएट करेंगे सो यू हैव टू राइट अवे इग्नोर दिस कैटेगरी पीपल अब जैसे आप आंसर्स लिख रहे हो सो द पॉइंट इज डोंट गेट डिस्करेज अपना जो फोकस है ना वो लूज़ नहीं करना है यू हैव टू कीप डूइंग योर वर्क यू आर राइटिंग आंसर आप आंसर अगर लिख भी रहे हो ना आप डेली होमवर्क कर रहे हो डेली पढ़ाई कर रहे हो यू आर ऑलरेडी बेटर देन नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस यू आर अ सिनसियर स्टूडेंट यू हैव ग्रेट पोटेंशियल कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे सो जस्ट कीप वर्किंग फोकस अपना लूज नहीं करना है कीप वर्किंग फोकस फोकस लूज नहीं करना है एंड डोंट डोंट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ दिस एंट्रोपी जस्ट कीप डूइंग योर वर्क ओके सो दिस इज द थिंग नाउ लेट इस कम बैक टू न्यूज़पेपर डिस्कशन सी डी एसकेलेन ट्रेंड पॉजिटिव है सेज चाइना ये बात है चुशुल में जो अभी टॉक्स हुए हमारे डी एस्केलेन बट इट स्कर्ट्स अनरिजॉल्व इशूज ऑन एल ए सी अब एल ए सी ऐसा मुद्दा है जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है प्रॉपर डी मार्केशन बट फॉर टाइम बींग यहाँ पे पीस एंड ट्रेंकुअलिटी हम रिस्टोर करने में अ लिटिल बिट सक्सेसफुल हुए हैं वी करंट पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ डी डीशन चेरिश द करंट पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ डी एसकेलेन सो दिस इज अ गुड थिंग अब यहाँ पर एक्सचेंज हुए व्यूज इश्यूज में कि जो म्यूचुअल कंसर्न है इंडियन साइड के चाइनीज साइड के क्या हम करें ताकि मेंटेन रहे कम्युनिकेशन, मिलिट्री का भी और डिप्लोमैटिक चैनल का भी ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेटिक चैनल अभी आगे लीड आर्टिकल में हम बैक चैनल डिप्लोमेसी ट्रैक टू ट्रैक ये सब चीज़ें अभी देखते हैं सो दिस इज अबाउट चाइना एंड एल एस सी दिस इज न्यूज की जो रिपोर्ट्स हैं इलेक्शंस और ये है थैंक यू स्टेक होल्डर्स आज़ादी का अमृत महोत्सव हैप्पी बैसाखी फाउंडेड ऑन द इवनिंग ऑफ बैसाखी इन 1895 दिस इज पंजाब नेशनल बैंक 127th फाउंडेशन डे दैन दिस इज़ इंडिया रिकॉर्ड्स वन पॉइंट सेवन लैक न्यू कोविड नाइन्टीन केसेज नॉट एट ऑल गुड महाराष्ट्र में सिचुएशन इज़ नॉट राइट रेमडेसिविर का एक्सपोर्ट बैन हो गया है न्यू पीक दहली रिपोर्ट्स टेन थाउजेंड फ्रेश इन्फेक्शन फोर्थ वेव बहुत डेंजरस है चीफ मिनिस्टर ने वॉन किया सो दिस इज़ कोविड नाइन्टीन दैन यहाँ दूसरी न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में ये भी था कि ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स टेस्टिंग इसमें जो लूप होल्स हैं उन गैप्स को प्लग करना ज़रूरी है एक्टिव केसेज बिकॉज सर्ज हो रहे हैं इलेवन लैक से ज़्यादा अभी केसेज आ गए हैं और ये कोविड नाइन्टीन का जो नया स्ट्रेन है डबल म्यूटेंट ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से फैल रहा है सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी बाउंस बैक हुए हैं क्वार्टर फोर में बट ये सब चीज़ें क्या होती है ये थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स में भी हमें दो चीज़ ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर किसी चीज़ को डिटेल में बहुत पढ़ने लग जाए इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स इकोनॉमिक्स की वोकेबुलरी रेडी होनी चाहिए जब तक वोकेबुलरी रेडी नहीं है ये सारी चीज़ें गो स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी फर्स्ट वो चीज़ पढ़ना है जो बैंकेबल सब्जेक्ट्स हैं बैंकेबल टॉपिक्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन बेसिक्स इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स है सारी डेफिनेशन हमें टिप्स में पता होनी चाहिए रेपो रेट क्या होता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बैंकिंग क्या होता है हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी के क्या इंडिकेटर्स होते हैं ये सब स्टैटिक पार्ट है ये हमेशा रहेगा जब आपने ये स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया देन फिर हम ऐसे कमेंट्री करते हैं थ्योरीज करते हैं प्रिडिक्शंस करते हैं एडवांस लेवल पे आते हैं बट इस लेवल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो लेवल है ना ये बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत कम होती है तो ऐसा नहीं है कि आप नोट्स बनाने बैठ जाए कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इतना हो रहा है ये टाइप है ये पैटर्न है ये शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है अभी कोविड नाइन्टीन के फिर से लॉकडाउन लग गए ना ये पूरा डेटा जंक हो जाएगा पूरे प्रोडिक्शंस जंक हो जाएंगे वर्ल्ड रिपोर्ट हमारा इवन जो इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे थ्योरीज हैं सब कम्प्लीटली जंक हो जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक समझ में आने चाहिए बेसिक वोकेबुलरी पता होना चाहिए सब्जेक्ट का सिमिलरली वाई आई कीप ऑन एम्फेसाइजिंग की एन सी आर टी पढ़ना है एन सी आर टी पढ़ के पहले आप प्लेटफॉर्म रेडी करो आप और रीड करो एंड राइट करो अंडरस्टैंड दिस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स इज़ इन दी एंड ये आपको हेल्प करेगी एग्जामिनेशन में सो डू दिस और ये इलेवन ट्वेल्थ की बुक्स हैं बड़ी आसान बुक है आप मोस्ट ऑफ यू आर ग्रेजुएट सो यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी डिफिकल्टी बट द पॉइंट इज यू हैव टू पिक द बुक एंड रीड रीड सो डू दिस थिंग ये इसमें अभी बस जस्ट फोकस ऑन बेसिक्स ये जो थ्योरीज है ना ये चेंज होंगी अभी जो प्रोजेक्शन हैं इकोनॉमी के दे आर वेरी वोलाटाइल सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू

हेल्थ केयर सिस्टम डॉक्टर्स मेडिसिन उन नंबर ऑफ़ केसेस को हैंडल नहीं कर पाता है तो उस केस में हेल्थ केयर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होता है तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा सिचुएशन नौबत आई देन हमको फिर लॉकडाउन करना चाहिए बट फर्स्ट केस में हमें ऐसा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए स्कूल्स में कॉल स्टूडेंट्स फॉर गाइडेंस वेव पीकिंग गवर्नमेंट इंटेंसिफाई मेजर्स टू स्टेम स्प्रेड दिस इज़ अबाउट वैक्सीन यूनिवर्सलाइजेशन एक और थ्योरी आ रही है कि क्यों ना हम सारे एटीन प्लस को वैक्सीनेशन दे दें ये जो फोर्टी फाइव प्लस का क्राइटेरिया है इसको रिमूव कर दें बिकॉज जो यंगस्टर्स हैं दे आर ऑल्सो इक्वली वलनरेबल प्लस जो यंगस्टर्स हैं वो एक्ट कर सकते हैं एज अ कैरियर सो दिस इज़ द थिंग नोएडा में ये स्लम फायर है स्लम्स में हमने टॉपिक प्रिपेयर किया था स्लम्स डिसऑर्गेनाइज जो लोकेलिटी में बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन सिटी में बन जाती हैं इनमें लिविंग कंडीशन हमें कैसे बेटर करना है सेफ्टी एंड लिविंग कंडीशन फायर ये न्यूज़ इंटरेस्टिंग है ओडिशा लाइट हाउस होल्ड ह्यूज टूरिज्म पोटेंशियल उड़ीसा वैसे भी फेवरेट स्टेट है यूपीएससी का ओडिशा लाइट हाउस होल्ड ह्यूज टूरिज्म पोटेंशियल अब सी ओडिशा के एक बीच का भी सवाल आया था जिसमें पानी बहुत पीछे तक आ जाता है नेम दैट बीच ओडिशा में ह्यूज है टूरिज्म पोटेंशियल उड़ीसा के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि ये मिनरल रिच तो बहुत है साथ ही साथ यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत आते हैं जैसे साइक्लोन का वर्स्ट हिट जो होता है ना वो उड़ीसा होता है वन एटी ईयर ओल्ड का फॉल्स पॉइंट है ये ओल्डेस्ट फंक्शनल टॉवर इन इंडिया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर डेवलप करेगा ऐसे पैंसठ लाइट हाउस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से ओडिशा को ऐसे पांच लाइट हाउस मिलेंगे और जो ह्यूज पोटेंशियल है टूरिज्म का लाइट हाउस क्या होते हैं जैसे सी है सी में ये ऐसे बड़े बड़े टावर होते हैं तो जो शिप्स आ रही है ये उनको गाइड करेंगे नेविगेशन में हेल्प करते हैं तो इनको बोलते हैं लाइट हाउस एक जो वॉल्केनो है ना उसको भी लाइट हाउस बोलते हैं तो लाइट हाउस हाउस ऑफ दिस इटली किसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन क्या है वॉलैनो से भी ऐसे जब एमिजन होता है लाइट आती है तो वो एक्ट एज अ लाइट हाउस नीम दैट वॉल्केनो दिस इज पैनोरमिक व्यू चंद्रभागा लाइट हाउस है टेन किलोमीटर है वर्ल्ड फेमस कोनार्क टेम्पल में भी ये ब्रेथ टेकिंग व्यू है सी का हाइट इनेबल टूरिस्ट गेट अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द टाउन पैनोरमिक मतलब एक ब्रॉड पूरा ऐसा व्यू दिख रहा है दैट इज पैनोरमिक व्यू तो इसको वो डेवलप कर रहे हैं एज अ टूरिज्म टूरिज्म साइट देन दिस इज द नेक्स्ट पेज दिस इज वॉयलेटर्स को थाउजेंड रुपी का फाइन लगेगा ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ यहाँ पे दिस इज एजुकेशन प्लस टू अ बैलेंस्ड वर्ड बैलेंस बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बैलेंस हैज टू बी देयर बैलेंस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में भी होना चाहिए ये नहीं कि यू आर बिकमिंग एन एक्सपर्ट ऑफ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दूसरे में आपको बेसिक्स भी नहीं पता है नो यू हैव टू बी इक्वली गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स टूवर्ड्स अ बैलेंस्ड वर्ड और ऐसे ही वर्ड में जेंडर जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस आउट करना ज़रूरी है ये इनिशिएटिव है गति इनिशिएटिव इसका एम है टू अचीव अ सिस्टमेटिक और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाना जेंडर इक्वेलिटी आए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जिससे पहले हम सर्व शिक्षा अभियान लाए हमने ये कहा कि एनरोलमेंट अच्छा होना चाहिए अब टेंथ बोर्ड ट्वेल्थ बोर्ड के नंबर्स भी देखो गर्ल्स का परसेंटेज काफ़ी अच्छा होता है एग्जाम में दे डू रियली वेल बट फिर क्या हो जाता है कि हायर स्टडीज़ में ये परसेंटेज इतना ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है वाई दिस इज़ द थिंग वी नीड टू फोकस कि इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले ऐसी ग्लास सीलिंग नहीं आ जाए हायर एजुकेशन के लिए इनेबल करें एनवायरनमेंट फॉर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिसिन और मैथमेटिक्स में एड्रेस करें जो सिस्टमेटिक चैलेंज है जिसे स्टीरियो बनाते हैं कि मैथ्स है मतलब गर्ल कैन नॉट डू दिस नो वी नीड टू ब्रेक दिस बैरियर इट सीक्स टू इंक्रीज रिक्रूटमेंट रिटेंशन एंड वुमेंस प्रोग्रेस थ्रू आउट दर प्रोफेशनल जर्नी तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ब्रिटिश काउंसिल इन दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है जेंडर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग इंट्रोस्पेक्ट फॉर आंसर्स करियर इंट्रोस्पेक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए कि वाई यू वॉन्ट टू डू यू पी एस सी वाई बिकॉज समी करिज्मा वाई बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटल प्रेशर फैमिली फ्रेंड्स एट्सेट्रा नो यू वॉन्ट टू डू यू पी एस सी बिकॉज यू लाइक इट यू फील यू कुड डू योर बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर करियर इस इस पर्टिकुलर फील्ड में यू लाइक टू सर्व द पीपल सर्व द कंट्री इफ दिस इज योर मोटिवेशन देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड सो गो फॉर दिस इंट्रोस्पेक्ट फॉर आंसर और इंट्रोस्पेक्शन में दो चीज़ देखना है एक तो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है और दूसरा आपका प्रेफरेंसेस मोटिवेशन क्या है ये जब दोनों चीज़ें मिलती है ना तब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और फिर वो सक्सेस जल्दी मिलती है सो डू दिस थिंग और ये जो जेंडर इनिक्वालिटी का है इसमें ये पहला सवाल करना है advancement of gender equality involve removing the structural barrier including social cultural economic which prevent female students faculty and staff from achieving their potential you have to discuss it ab ye jaise bhi prashn aate hain na to how would you approach this question आपको सात आठ मिनट ही मिला है ये सवाल करने का इसमें आपको फ्रेम भी करना है लिखना भी है everything और फ्लो में करना है ताकि कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए अब सी इसको इमीजिएटली यू हैव टू फाइंड आउट द की इसमें क्या क्या की वर्ड्स हैं पहला की तो है यहाँ पे हमें जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड बातें लिखनी है फिर दूसरा की है कि हमें रिमूव करना है स्ट्रक्चरल बैरियर स्ट्रक्चरल बैरियर अब क्विकली आप थिंक सोचिए कि टैंपलेट्स ते सो जो हम पढ़ते हैं क्या क्या स्ट्रक्चरल बैरियर हो सकते हैं सोसाइटी में स्ट्रक्चरल बैरियर है सोसाइटी में हमने देखा था सोसाइटी में कैसे यहाँ पे स्टीरियोटाइप होता है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है डोमेस्टिक वर्क डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है कल्चरल है कुछ जो जॉब्स हैं वो ओपन नहीं है जैसे वमेन को आर्म्ड फोर्सेज में ओपन नहीं था एट्सेट्रा फिर इकोनॉमिक कंडीशन भी आ जाती है लो पेइंग जॉब ज़्यादा हैं हायर पेइंग जॉब्स मिलते नहीं हैं ऑफिसर्स में भी प्रमोशन एक लेवल के ऊपर होता नहीं है तो इकोनॉमिक भी चैलेंजेस आते हैं तो फोकस ऑन कीवर्ड्स सोशल स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक और जो वो प्रिवेंट कर रहा है हर कैटेगरी में स्टूडेंट्स भी फैकल्टी भी स्टाफ भी वो अपना ट्रू पोटेंशियल यहाँ पे दैट इज़ वाई अचीव नहीं कर पाते सो यू हैव टू डिस्कस अब इसमें एक नेगेटिव अंडर टोन है इस प्रश्न में तो यू आर नॉट सपोज टू एंड इट इन दिस नेगेटिव अंडर टोन यू हैव टू फाइंड सम सोल्यूशन डिस्कशन में लास्ट जो पैराग्राफ होगा उसमें यू हैव टू प्रोवाइड सम पॉजिटिव कुछ बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन करिए नए इनिशिएटिव्स का मेंशन करिए जैसे कि ये इनिशिएटिव हुआ सो so, ये जब चीज़ें आप इंक्लूड करोगे ना तब आपका बनेगा वो होल्जम आंसर सो ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर दिस कंप्लीट आंसर जितना भी पार्ट है प्रश्न का उसके हर पार्ट को आपको एड्रेस करना है इनकम्प्लीट नहीं लगना चाहिए वो आंसर वो आंसर कंप्लीट लगना चाहिए सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे देन दिस इज रॉन्ग शॉर्ट्स ये एडिटोरियल है रॉन्ग शॉर्ट्स यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात है इलेक्शंस में वॉयलेंस होता है ना तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता इसके लिए आप पढ़िए एन सी की एन में इलेक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से दिया है कि इलेक्शंस का थीम क्या होता है इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट कराना है इलेक्शन मतलब ये नहीं होता कि आप गए और वोट डाल दिया नू जो बैकग्राउंड कंडीशंस होती है जिसने आपके वोट को इन्फ्लुस किया हो या फिर वोट को डिक्टेट चॉइसेस को डिक्टेट किया हो क्या आपने वोट प्रेशर में तो नहीं डाला है ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में वोटर्स का फ्री विल होना बहुत ज़रूरी है ये वर्ड बहुत पावरफुल वर्ड है फ्री विल फ्री विल इनफॉर्म्ड चॉइसेस होनी चाहिए ये नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है बताई नहीं गई कैप्टून डाक देन यू मेड अ चॉइस यू आर थिंकिंग कि यू मेड अ फ्री विल बट दैट इज़ नॉट अ फ्री विल बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स सो इनफॉर्म चॉइसेज होना जरूरी है एंड फ्री विल होना जरूरी है सो दिस इज़ वोटर्स दैट इज़ वाई जो एसोसिएशन ऑफ दिस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है ये क्या बोलते हैं जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो अपना पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड दे क्रिमिनल रिकॉर्ड दे ताकि हमें पता लगे कि इसने पास्ट में क्या क्या क्राइम किया है हम एक गेज कर पाए उसका कैरेक्टर उसका कंडक्ट एट्सेट्रा उसका फाइनेंशियल एवरीथिंग सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्री विल एंड इन्फॉर्म चॉइसेस लॉ एंड ऑर्डर हमेशा सुप्रीम होता है रूल ऑफ लॉ हमेशा सुप्रीम होता है काम जो होते हैं ना वो हमेशा नियम के हिसाब से होते हैं यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर गवर्नमेंट सर्विस में गवर्नमेंट में हर काम जो होता है ना वो अकॉर्डिंग टू रूल बुक होता है रूल बुक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं सो यू हैव टू इंश्योर दैट इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नेसेसरी है बिकॉज इंस्टीट्यूट बने रहते हैं पीपल कम एंड गो तो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी मेंटेन करना जरूरी है रॉन्ग शॉर्ट्स दिस इज एनफोर्सिंग क्लेम्स अब सी ये नाउ एडिटोरियल आया है दिस यूएस की जो शिप ने यहाँ पे पैसेज किया फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के अंदर अपसी पहले दिन ये न्यूज़ आया तो वी गेट टू नो अबाउट इट कि ठीक है इस शिप ने यहाँ पे ऐसे पैसेज किया है दूसरे दिन हमने पढ़ा अनक्लॉज के बारे में आई सपोज आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा डू होमवर्क एवरीडे अनक्लॉज के बारे में आपने पढ़ा तो नाउ अब हम पढ़ते हैं इसमें कमेंट देते हैं कि ये क्या था इसका स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा और इसके क्या रिप्रकॉशनस एंड आउटकम्स हो सकते हैं अपसी एनफोर्सिंग क्लेम्स तो जब हम ऐसे ग्रेजुअली पढ़ते हैं ना चीज़ों को तो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक लास्ट होती है हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता बिकॉज बहुत सारी न्यूज़ फिर इवॉल्व नहीं होती तो वी सेव अ लॉट ऑफ टाइम अगर हम उसको ग्रेजुअली पढ़ रहे तो सो दिस इज़ द राइट वे एनफोर्सिंग क्लेम्स इंडिया विल हैव टू डील विद द ओपन चैलेंज द यू एस एस पोज टू इट्स मेरी टाइम क्लेम सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन क्या है यू एस जो है ना ये अपना एजर्ट करने की कोशिश के लिए कि जो इंटरनेशनल सी वाटर है वो फ्री है सबके लिए कुछ 19 कंट्रीज़ में इस इंटरनेशनल लॉज को वो एजर्ट करने के लिए अपनी शिप्स भेजता रहता है और वो शिप्स ऐसे घूमती रहती हैं बताने के लिए कि ये फ्रीडम है यहाँ पे ऑपरेशन का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है यूजअली ये टारगेटेड चाइना को होता है साउथ चाइना सी में भी होता है वहाँ अक्सर फ्लैश पॉइंट हो जाता है यूएस और चाइना का इस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन में बट रिसेंटली यूएस ने ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को एजर्ट करने के लिए अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए कि बताने के लिए कि दिस इज़ फ्री इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ से अपनी इस फ्लीट को सेवन्थ फ्लीट डिस्ट्रॉयर को यू एस एस जॉन पॉल जोन्स को वहाँ से मूव कराया उससे पैसेज कराया इस बात पे इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया अब इसका एक और बैकग्राउंड है इंडिया और जो यूएसए है वो पास सम टाइम हमने फाउंडेशनल एग्रीमेंट किया यू के साथ टाइज बढ़ रहे काफ़ी सारी डिफ़ेंस डील्स भी हुई कोऑपरेशन एंड अलाइनमेंट बढ़ रहा है अभी क्वाड की एक्सरसाइज भी किया हमारे हमने मालाबार में तो जब एक तरफ इतना कोऑपरेशन हो रहा है नेवी का क्वाड वैसे भी नेव, नेवल एक्सरसाइजेज हैं तो दूसरी तरफ ये इस टाइप का को, जिस कोलिजन पाथ में दोनों कंट्रीज़ कैसे आ सकती हैं ये क्या मैसेज यहाँ पे सेंड करना चाह रहा है कोऑपरेशन एंड अलाइनमेंट है स्ट्रैटेजिक इशूज़ का फॉर पास टाइम तो इसमें यह डिस्ट्रॉयरशिप अगर इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऐसे आती है फिर एडमेंटली यूएस प्रेस रिलीज से बोलता है कि वो अपने विद इन राइट्स हैं उन्होंने फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन नेविगेशन किया है और इंडिया के जो कंसर्नस हैं उसको साइडलाइन करता है तो इससे क्या हम कंक्लूजन ड्रॉ करें इट केम एज अ सरप्राइज अजर्ट किया नेविगेशनल राइट फ्रीडम वन थर्टी माइल्स वेस्ट ऑफ हमारे लक्षद्वीप आइलैंड में और ये इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बिना हमारी परमिशन से उसने यहाँ पे फ्लीट क्रॉस किया तो दिस इज अगेन इंडिया को यहाँ पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए वाई बिकॉज कभी भी साइलेंस जो होता है ना इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये हमारी वीकनेस है साइलेंस इज नॉट इज अवर वीकनेस सेकेंड इफ यू आर टू गुड आप फ्रेंडली हो आप कोऑपरेटिव हो बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कंट्री आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले यू हैव टू अजर्ट योर राइट्स चाणक्य ने भी फॉरेन पॉलिसी में यही बात कहा है कि इतना इजी भी नहीं हो जाना चाहिए कि दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड और आप अपनी सोवर्निटी को लूज करने लग जाओ तो ये जो राइट्स हैं ये कंसिस्टेंट है अनक्लॉज नाइनटीन के जो इंडिया यूएसए ने साइन नहीं किया है यू अपना यहाँ पे दिस जो अजर्शन कर रहा था विच इज़ रॉन्ग इंडिया रेज्ड कंसर्न एंड कंटेस्टेड दिस मूव सो अभी फिलहाल के लिए इंडिया ने इसको कंसर्न रेज किया है कंटेस्ट किया है दिस रूम को अभी हम जजमेंट पास नहीं करेंगे वॉट इज राइट रॉन्ग लेट एस वेट फॉर एम ई एंड सम मोर न्यूज एंड डेवलपमेंट बट फॉर टाइम बींग इंडिया ने इसको कंसर्न रेज किया है एंड कंटेस्टेड दिस मूव अब सोल्यूशन डिप्लोमैटिक होगा यूएस ए इज ट्राइंग टू सेट न्यू नॉर्मल तो यूएसए अपना लाइक like दिस मूव अल्फा मूव दिखा रहा है कि USA is the world police, वो ही यूएस ए इज द वर्ल्ड पुलिस वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ऐसे मूव कर सकता है बट द पॉइंट इज क्वाड में फ्रेंडलीनेस है ओवरऑल कन्वर्जेंस है बट दिस डजेंट मीन कि इंडिया की सोवेनिटी को किसी भी टाइप से हम कॉम्प्रोमाइज होने देंगे तो इंडिया को इस टाइम पे एक क्लियर मैसेज देना चाहिए डोंट क्रॉस द लाइन नाउ दिस इज एनफोर्सिंग क्लेम्स दैन थ्रू अ बैक चैनल स्टेप्स फॉरवर्ड अब ये जो आर्टिकल है दिस इज़ अबाउट बैक चैनल डिप्लोमेसी सुहासनी हैदर मैम का है इसमें ब्रॉडली स्पीक ज़्यादा किया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कि पाकिस्तान में क्यों इतने ज़्यादा मल्टी पावर सेंटर्स हैं इसको हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट नहीं है मल्टीपल गवर्नमेंट है और सभी अपना पावर एंड इन्फ्लुंस बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं और ये सभी आपस में लड़ते रहते हैं तो देट इज़ वाई पाकिस्तान में हमेशा डिस्टेबिलिटी रहती है यहाँ कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती पाकिस्तान का एक और बहुत ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है कि यहाँ जो भी हेड ऑफ़ स्टेट बनता है प्राइम मिनिस्टर बनता है लीडर बनता है उसका आफ्टर पोस्ट हमेशा या तो एग्जाइल हो जाता है या फिर उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है सो दैट इज़ वाई यहाँ का जो डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट है वो वीक फाउंडेशन है थ्रू अ बैक चैनल स्टेप फॉरवर्ड बट हमारा नेबर है सो वी ऑलवेज़ ट्राई कि यहाँ पे एक फ्रेंडली नहीं तो एटलीस्ट पीसफुल रिलेशन रहे दे आर सेवरल इंडिकेशन ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी अब इसमें बात आती है डिप्लोमेसी की तो ये कुछ टर्म्स हैं जैसे एक तो डिप्लोमेसी होती है कि फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिल रहे हैं बात कर रहे हैं ऑफिशियल्स कर रहे हैं दूसरी होती है ट्रैक टू डिप्लोमेसी ट्रैक टू बिफोर डैट कन्वेन्शनल डिप्लोमेसी क्या होती है कि जो स्टेट्स हैं वो रिगार्डेड इज ट्रैक वन होती है कन्वेन्शनल डिप्लोमेसी होती है ट्रैक वन इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑफिशियल डिस्कशन होता है रिप्रजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है फॉर्मल लीडर्स का फॉर्मल चैनल के थ्रू यहाँ एम्बेसी से कॉल आएगा फिर डिस्कस होगा आई ऑफिसर्स आएंगे फिर साइन होगा दीज आर फॉर्मल फॉर्मल चैनल ऑफिशियल्स होगा फिर डिक्लेरेशन ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट अग्रीमेंट होगा सो दिस इज़ द फॉर्मल वन ये कहलाती है ट्रैक वन ट्रैक टू डिप्लोमेसी वो होती है जहाँ पे हम फॉर्मल नहीं होते हैं. हम फॉर्मल को फैसिलिटेट करने के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी लाते हैं तो यहाँ हम ऑब्जर्वेशंस लाते हैं जैसे म्यूचुअल कॉमन ग्राउंड क्या है अनऑफिशियल प्राइवेट इंटरेक्शन होता है कि वहाँ के बिजनेसमैन आ गए लीडर्स आ गए इन्फ्लुएंसर्स आ गए वो ऐसी कंडीशंस फैसिलिटेट कर रहे हैं बना रहे हैं डेवलप कर रहे हैं कि ट्रैक वन डिप्लोमेसी हो पाए ऑफिशियल नेगोशिएटर होते हैं ये इमर्ज तब होता है जब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना है जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान में होता है कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन करना है कोल्ड इराका ये है बट अभी इंडिया पाकिस्तान एट्सट्रा में भी ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी अक्सर नज़र आती है ट्रैक टू डिप्लोमेसी को इंटरेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी बोलता है बिकॉज इसमें नॉन गवर्नमेंट होता है इनफॉर्मल होता है अनऑफिशियल इन नेचर होता है डिस्कशन यहाँ पे ऑफिशियल लीडर्स एक्सप्लोर करते हैं सोल्यूशनस विदाउट फॉर्मल नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग फॉर एडवांटेज ये जनरल लेवल पे एनवायरमेंट पब्लिक ओपिनियन पॉलिटिकल लीडर्स रिस्क पीस ये सब चीज़ें होता है बट वो फॉर्मल नहीं है कोऑपरेटिव नेगोशिएशन होगा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो सकता है साइकोलॉजिकल एक जनरल जैसे पब्लिक में माहौल क्या है उस टाइम पे ये सब चीज़ें डेवलप होती है सो दैट ट्रैक वन डिप्लोमेसी हो पाए मेन जो मुद्दा है उसके लिए हम फेवरेबल कंडीशन बना रहे है. तो ये प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है तो अक्सर इसराइल फ़लस्तीन नॉर्दर्न आइलैंड ग्रेट ब्रिटेन इंडिया पाकिस्तान वगैरह में कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन में ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी आती है अब इस आर्टिकल में मोस्टली यही बात है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी को भी एक चांस देना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान ने पहले बोला शुगर और कॉटन की बहुत ज़रूरत है इंडिया हमें इम्पोर्ट कराना पड़ेगा बट फिर यू टर्न हो गया बिकॉज़ फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी वहाँ पे पब्लिक परसेप्शन डिफरेंट था सो दिस इज़ द टाइम कि हम बैक चैनल डिप्लोमेसी को एक चांस दें और वी अलाउ दिस ट्रैक टू डिप्लोमेसी

हम इंडियंस होते हैं ना हमारी ये बहुत बुरी आदत है हम प्राइवेसी को ज़्यादा महत्व देते ही नहीं है प्राइवेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ ऑफिस वर्कस भी ऐसा होता है कि ऑफिस में बॉस से सैटरडे संडे को कॉल कर रहा है सेइंग कि डू दिस वर्क डू दैट वर्क नो फॉरेन में ऐसा नहीं है कई जगह यू हैव टू लाइक जब काम का टाइम है तब काम जब नॉन वर्क टाइम है दैट इज़ नॉन वर्क टाइम सो प्राइवेसी इज़ ऑल्सो वन थिंग पैंडामिक डिजिटल पुश अब ये तो एक चीज़ हुआ जो फॉर्मल चैनल्स में प्राइवेसी का एक और प्रॉब्लम आ रहा है जैसे फेसबुक का अभी डेटा लूज़ हो गया प्राइवेसी का ये भी बात है कि गवर्नमेंट आप पे कहीं सर्वेलेंस तो नहीं कर रही है कहीं आप पे मॉनिटरिंग तो नहीं कर रही है तो जो पर्सनल डेटा है उसका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन होता है तो इन सब चीज़ों से हम कैसे डिफेंड करें एक रूल्स लेजिस्लेशन होना चाहिए जो प्राइमरली डिपेंड करता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है डेटा प्राइवेसी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत एसेंशियल फीचर है कंसेंट बहुत ज़रूरी होती है कंसेंट ये बहुत पावरफुल वर्ड है कंसेंट बिना कंसेंट के जैसे कंपनीज आपका डेटा कलेक्ट करती है आप अब एक आप एक माइक सर्च करो यू सर्च वन गैजेट आपने देखा एक कैमरा सर, आपने लुक किया वो कैमरा आपने गूगल में सर्च किया अब थोड़े टाइम बाद आपको इंस्टाग्राम में अमेजॉन में फ्लिपकार्ट में हर जगह उसी कैमरा उसी माइक का एडवर्टाइजमेंट आने लग जाता है सो वॉट इज दिस दिस इज दे आर काइंड ऑफ स्पाइंग ऑन यू कंसेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस होना जरूरी है अब दूसरी चीज़ होती है कि जो पर्सनल डेटा है इस इसपे एग्जाम्पन्स क्या गवर्नमेंट को मिलना चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट बोलती है बिकॉज हमें लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना है सो वी नीड सर्टन एग्जाम्पन्स तो इस पर भी एक डिबेट है इसमें तो ये दो तीन नाम याद रखने हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू के एस पुट्टा स्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें बोला राइट टू प्राइवेसी है ना वो आपका फंडामेंटल राइट right है फंडामेंटल राइट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी ने ये एक जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी भी बनाई थी इसने ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात किया था अब ये जो कमेटी है ना इसको आप वीडियो देखो ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी का पहले दूसरे फर्स्ट फ्यू फाइव टेन मिनट्स में ही हमने इसको डिस्कस किया है हाउस पैनल एक्शन अगेंस्ट अमेजॉन पे था कि ये ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल हम कैसे लेके आए यहाँ पर रविशंकर प्रसाद साहब ने भी ये बताया था हिस्टोरिक लजिसलेशन पास हुआ है टू पर्सनल डेटा एंड प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन इन डिजिटल एज कि डिफ़ाइन करें वॉट इज डेटा सेफ की क्या ज़रूरत है पेनल्टी जनरल किस जगह का डेटा होगा क्या वो पब्लिक डेटा है सेंसिटिव डेटा है क्रिटिकल डेटा है सो व्हाट इट मींस फॉर दिस कंज्यूमर गवर्नमेंट और रेगुलेटरी रोल क्या होना चाहिए वॉट कंपनीज हैव टू डू और ये हैं जस्टिस बी एन श्री कृष्णा साहब इन्होंने भी बहुत सारे यहाँ पे दिए थे अपने एक आंसर भी प्रिपेयर किया था सो है लुक डेटा प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए इवन फॉर कमर्शियल इंटरेस्ट एंड दूसरी चीज़ है डेटा लोकलाइजेशन जैसे चाइनीज आपके हम फोन यूज कर रहे हैं एप्स यूज कर रहे हैं तो इनका सर्वर क्या है क्या ये सारा डेटा हमारा चाइना लेके जा रहा है देन चाइना में और जो यहाँ की कंपनीज हैं इनके काफ़ी क्लोज टाइज होते हैं वाबे हुआ शाउमी हुआ एट्सेट्रा सो द पॉइंट इज़ ये डेटा प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है और डेटा लोकलाइजेशन पे भी हमें एम्पेसाइज करना चाहिए कि इंडिया कंट्री के पीपल का डेटा है तो वो इंडिया में ही डेटा सेंटर बनाए और उसे वहाँ पे स्टोर करें सो दिस इज़ द थिंग अब इसमें यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डिजिटल वेलबींग ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया

अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम तो गए नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था तो जो हिस्टोरियंस ने लिख दिया हम उसको सही मानते हैं एंड वी बिलीव कि ये हिस्टोरियंस ने नॉन पार्शियल वे में कलर नहीं किया है हिस्ट्री को और फैक्ट बेस्ड इन्होंने यहाँ पे राइटिंग लिखी है सो दिस इज़ हिस्ट्री हिस्ट्री इज़ बेसिकली कलेक्टिव अग्रीएबल फैक्ट्स एंड डेटा जो पास्ट का हमने मान लिया है अब बात आती है वॉट इज़ ट्रुथ ट्रुथ क्या है ट्रुथ के ना बहुत सारे वर्जन होते हैं जैसे हम देखते हैं आप एक एक ए, 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 ए पर्सन से सुनो तो ए पर्सन जो ट्रुथ बोलेगा ना वो ए के अकॉर्डिंग होगा बी बोलेगा वो बी के अकॉर्डिंग होगा जब भी वॉर होती है एक किंग में दूसरे किंग में तो ये किंग अगर हार गया ये किंग जीता है तो जो जीता है वही तो हिस्ट्री लिखेगा ये तो हार गया इज़ गॉन तो जो जीता है वो हिस्ट्री लिखेगा तो हम सब अपनी नज़र में तो सभी सही लगते हैं तो ये किंग अपने हिसाब से चीज़ों को लिखेगा जिसमें वो खुद को अच्छा बताएगा और बाकी सबको बुरा बताएगा दिस इज़ ट्रूथ, सो दैट इज़ वाई ट्रूथ जो होता है ना आप हम जैसे जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी हम बात करते हैं ट्रूथ में हम हमेशा खुद को इनोसेंट बताते हैं और सामने वाले को गिल्टी बताते हैं सो so ट्रूथ के बहुत सारे वर्जनस होते हैं एक बुक आई रेड दिस बुक दिस सीक्रेट्स ऑफ नागा वगैरह है इसका ट्रायोलॉजी शिवा ट्रायोलॉजी इसमें शिवा एक साइड से लड़ते हैं जब वॉर एंड होती है तो शिवा को ये रियलाइज़ होता है कि ये साइड नहीं ये साइड राइट है दोनों तो साइड अपने आप अपने अपने, अपने मायनों में राइट है सो दैट इज़ वाई ट्रुथ के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं हम हिस्ट्री को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं ये समझना भी बहुत ज़रूरी है जैसे जैनिज़्मेड अ लॉट अबाउट जैनिज्म जैनिज़्म में अनेकांतवाद होता है कि बहुत सारे वर्जन्स होते हैं बुद्धिज़्म में एक वर, वर्ड होता है क्षणिकवाद क्षणिकवाद मतलब जो अभी है वो शायद सेम चीज़ दोबारा नहीं होगा देट वुड बी ऑल टूगेदर डिफरेंट थिंग सो जो हिस्ट्री का इंटरप्रटेशन है ना देट इज़ लाइक बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए फैक्ट एंड ट्रुथ बेस्ड होना चाहिए हिस्ट्री को कलर नहीं करना चाहिए जैसे ब्रिटिश हिस्ट्री अलग हो रहा है या फिर कॉलोनियल हिस्ट्री हो रहा है या फिर हम इंडियन हिस्ट्री हो रहे हैं या फिर रिवाइवल हिस्ट्री हो रहा है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं पॉइंट इज इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव दिस इज़ अ फ्रेजाइल इकोसिस्टम क्रिटिकल इंक्वायरी जर्नलिज्म जो है वो रिमाइंड करे सिटीजन्स को ट्रबल्ड पास्ट एंड डिफिकल्ट बैटल्स सी इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आ रही है अब इस पेपर में जो लिखा है वो हम करेक्ट मान के इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो जर्नलिस्ट का पर्पज़ ये होता है कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को बताए करेक्ट इन्फॉर्मेशन जैसा है उसको एज इट इज़ बताए दिस इज़ द इथूज ऑफ जर्नलिज्म जर्नलिज्म का कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पैटर्न कि वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट लाइन्स को फॉलो कर रहा है वो ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स को कलर कर रहा है बता नहीं रहा है चीज़ें दिस शुड बी अवॉइडेड A केस फॉर कैश ट्रांसफर न्याय स्कीम दिस is राइजिंग कोविड cases एंड वैक्सीनेशन पैंग सो में ग्रेजिंग ग्राउंड हैं विजर्स लूज हैं अब जब भी ऐसी वॉर टाइप सिचुएशन होती है हु पे द प्राइस दिज लोकल्स पे द प्राइस इंडिया एंड पाकिस्तान में जब भी लड़ाई होती है हु पे द प्राइज ये जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं दे दीज पीपल पे द प्राइज ग्राउंड एट बैंकोंग पैंग सो दिस इज़ अबाउट ई टेक्सट बुक एन सी आर टीज़ की जो बुक्स हैं पी डी एफ ईजिली अवेलेबल है सारी बुक्स दे रखा है बस बात है पढ़ने की कि पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा अब सी जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं इनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेती है बट द पॉइंट इज़ ये जो एफर्ट्स हैं ना ये थोड़ा और स्टेप अप करने की ज़रूरत है हमें जो ई टेक्स्ट बुक है इन्हें विजुअली जो इम्पेयर्ड है उनको फ्रेंडली बनाना ज़रूरी है सिमिलरली दीक्षा पोर्टल एट्सट्रा में भी बिकॉज बहुत सारा कंटेंट प्लेन पी में है तो वो वॉइस से ऐसे रीड भी नहीं होता है डिक्टेशन नहीं हो पाता है वहाँ पर तो दे फाइंड डिफिकल्टी visually challenged struggled with e textbooks center to certify shrimp farms shrimp ka bahut acha potential hai shrimp matlab मतलब aqua food the seafood Certify shrimp farms ye hamari bahut zyada jo health bahut zyada food ka shortage and nutritional security hai isko ensure karne mein this seafood could be a very big help big catch shrimp estimated इतना हुआ है हमारा. shrimp देन दिस इज श्रिम्प श्रिम्प रिवोल्यूशन को क्या बोलते हैं किस कलर की रिवॉल्यूशन है दिस इज टीका उत्सव सेकेंड बिग वॉर अगेंस्ट वायरस सेंटर ने बैन कर दिया है रेम रेमडेसिविर को सुओ मोटो गुजरात ने पी आई एल ऑन कोविड सुओ मोटो का क्या मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या सुओ मोटो केस ले सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या दो साल पुराने केस ले सकता है आंसर डू पुशअप एक ये नया कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज़ हो रहा है एंड सेल हो रहा है दिस प्रोटीन का इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड आर्टिफिशली ये जो हम पंप अप करते हैं ना इट इज़ एट टाइम्स नॉट रिक्वायर्ड हमारी जो डाइट होती है ना उसमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और वो ज़्यादा हमें इनटेक जो होता है वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है सो so, बहुत ज़्यादा ये कमर्शियल टॉल क्लेम्स होते हैं इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड डू पुशअप हेल्दी रहना है, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है डू पुशअप पुशअप करो आर्म अपोर्स में भी आप देखो सबसे पहले वो क्या करते हैं दौड़ लगवाते हैं रन दौड़ो जितना दौड़ोगे अच्छा है दौड़ो फिर उसके बाद क्या करते हैं पुशअप करवाते हैं जंप करो आप रोप करो एक्सेट्रा आप ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एथलेटिक एंड टोन्ड हो जाओगे डू पुशअप एंड दिस इज पुशअप पुशअप इज गुड रनिंग इज गुड रोप जम्पिंग इज गुड डू दिस एक्सरसाइज वर्ड्स ऑफ विजडम द रॉन्ग कट विद लव फ्रॉम मंगोलिया ये क्या है बर्ड स्पॉटिंग है कॉलर्ड बारेडेड गूज स्पेड दिस लेक एंड दिस इज मैटर्स ऑफ पावर अभी ब्लैकआउट हुआ ईरान न्यूक्लियर साइट में ईरान न्यूक्लियर साइट कल हमने पढ़ा था सेंट्री फ्यूज दिस कॉन्सेंट्रेशन एनरिच करने की कोशिश कर रहा है यूरेनियम फ्यूल को और यू एस यहाँ पे बहुत क्लोजली इसको मोनिटर कर रहा है टेटस सी जॉर्डन में नॉर्मल सी लग रही है वापस चाइना रशिया अंडरमाइन माइंड म्यांमार रेस्पॉन्स चाइना का एक्शन डायरेक्टेड एट ताइवान रेज टेंशन ट्रंप ने रिपब्लिकन्स को कहा ग्रैंड ओल्ड पार्टी है 2022 हजार ट्रंप मोस्ट प्रोबेबली अगला चुनाव लड़ने वाले हैं 2024 का देन दिस इज यम एंड डिक्लेयर मर्कल सेविंग रेट कट्स अब सी एल्डरली होते हैं एल्डरली का पूरा लाइफ का सेविंग है अब इस सेविंग में अब जॉब है नहीं और अभी जैसे जो नए 2004 के बाद अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हो तो आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी जो पहले गवर्नमेंट सर्विस में पेंशन मिलती थी अब नहीं मिलती है उसकी बजाय वो कुछ नया फॉर्मेट आ गया बट पहले जैसा नहीं है अब सी तो आपने अपनी जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट किया सो देट आपको कुछ फिक्स्ड रिटर्न मिले बट एफडी डी के रेट्स वैसे ही कम हो रही है स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी रेट कट की बात थी फिर गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया तो ये दो स्कीम यहाँ पे मेंशन है एक तो ये सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है एस सी एस एस इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न है सेवन पॉइंट फोर टू सिक्स पॉइंट फाइव पाँच साल का लॉक इन होता है बट द पॉइंट इज इसमें आप पंद्रह लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते तो एक तो ये है दूसरा है ये प्रधानमंत्री वय वंदन योजना इसमें भी ऐसा है कि एक फिक्स्ड आपको रिटर्न मिल जाएगा दीज टू अ गुड मोमेंट ऑफ ट्रुथ इन पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं ना तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए सारे एग्स ना एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए डाइवर्सिफाई देन दिस इज स्टॉक्स डांस टू रेड ट्यून्स और ये है सनराइजर्स स्पोर्ट्स आई चल रहा है अब हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन एक्सप्रेस में ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स का शॉर्टेज है दिस इज अबाउट इलेक्शन और सिक्सटीत एनिवर्सरी है यूरी गागरिन फर्स्ट ह्यूमन स्पेस एक्सपीडिशन था गागरिन सिक्सटी सो दिस इज़ यूरी गाग्रिन स्पेस में गए थे मून में पहली बार किसने लैंड किया था आंसर और इंडिया के तो हमें पता है फर्स्ट स्पेस में गए थे मिस्टर राकेश शर्मा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा देन ही वॉज द राइट चॉइस फॉर द मिशन अभी हमारे मंगलयान आ रहा है स्पेस यान गगन यान आ रहा है चंद्रयान आ रहा है हम भी काफ़ी अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं यहाँ पे देन कुंभ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है यूरोप एंड एशिया पोस्ट कोविड स्टेरिंग द वाटर सेवेंथ फ्लीट नेवल एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनकलॉज आर इंपॉर्टेंट

इंजीनियर बाय एप्टीट्यूड ए एंड शॉर्टेज ऑफ रेमडेसिविर वैक्सीन जैब फेसबुक का देखिए अभी डेटा लीक हो गया दिस फोन नंबर एट्सट्रा यहाँ पे लीक हुए हैं मार्ग जकरबर्ग के भी ईज इन सिग्नल ऐप इफेक्टिवनेस ऑफ चाइनीज कोविड नाइन्टीन ईरान ब्लैकआउट हुआ जॉर्डन किंग ट्रम्प टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आर बी आई नॉट इन फेवर ऑफ सुपरवाइजिंग नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया एन पी सी आई एंड दिस न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज ये मोर मनी पंप हुआ है ग्लोबल इक्विटी में नाउसी अभी कुछ टाइम से स्टॉक मार्केट में काफ़ी रैली हुआ रैली इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट मनी भी हुआ है ग्लोबल इक्विटीज से बहुत ज़्यादा मनी पंप हुआ अब पंप तो हो गया बट हॉट मनी के साथ प्रॉब्लम गया है, ये ईजिली फ्लाई भी हो जाता है तो फीयर्स ऑफ पुल बैक अभी है यहाँ पे लेटे सी फीयर्स ऑफ पुल बैक गोल्डी लॉक एंड अप पॉपुलर टर्म्स रहे हैं अभी इस वीक में स्टॉक मार्केट मेल्ट वॉट चेंज जैक मा फॉर्चून्स चेंज हो गए इनके लेट लेटे कम टू हिंदी आर्टिकल हिंदी आर्टिकल है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत ये पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है इसमें क्या होता है सार्वजनिक और निजी जो लिस्ट में है हॉस्पिटल सार्वजनिक एंड निजी वहाँ पे सेकेंडरी माध्यमिक और टर्जरी स्वास्थ्य उपचार के लिए हर परिवार को एक साल में पाँच लाख रुपए तक की धनराशि यहाँ पे मुहैया कराई जाएगी फाइव लाख रुपी पर फैमिली फॉर वन ईयर इसमें सेवेंटी फोर करोड़ से ज्यादा गरीब और वंचित परिवार इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं और द गुड थिंग इज यहाँ पे कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन होगा आप कार्ड के थ्रू करो आपको पेमेंट वगैरह सब कैशलेस हो जाएगा सो दिस इज़ रियली गुड फाइव लाख रुप का पर फैमिली यहाँ पे एक इंश्योरेंस हो गया है इसमें परिवार का आकार आयु लिंग ऐसी कोई सीमा नहीं है मौजूद विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गंभीर बीमारियों को पहले दिन से ही इसमें शामिल किया गया है कि इन सब बीमारियों में सरकार आपको ये बीमा फाइव लाख ,00 का इंश्योर कराएगी तीन दिन पहले भर्ती होने से तीन दिन पहले और पंद्रह दिन बाद तक का जो ट्रीटमेंट है वो आपको इलाज दवाइयाँ सब फ्री में मिलेगा पोर्टेबल है मतलब आपने रजिस्टर बिहार में किया है बट आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये फैसिलिटी ले सकते हैं इतने यहाँ पे प्रक्रिया एंड दिस शामिल है दवाई चिकित्सा की फ़ी कमरे का शुल्क ओ टी ये सब चीज़ें यहाँ पे सिस्टमेटिकली इंक्लूडेड है एवर इट दिस इज इंपॉर्टेंट स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सी सेट की बात करते हैं लॉजिकल हमें डिडक्शंस करने थे इंफ्रेंसिस ड्रॉ करने थे अब तानिया का होल्डर है एरिक्स है क्लिफ ओल्डर है तानिया से तो मतलब क्लिफ फिर तानिया फिर एरिक तो क्या एरिक एरिकल्डर होगा क्लिफ से नो इट इज अ फॉल्स केस देन यहां पे था कि जो नाइन्थ फ्लोर के सारे ऑफिस ऑल मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं होगा ऑल ऑफिस वॉल टू वॉल कारपेट है दूसरा स्टेटमेंट है वॉल टू वॉल कारपेट है तो वो पिंक नहीं है मतलब नाइन्थ फ्लोर के ऑल ऑफिस आर नॉट पिंक नाइन्थ फ्लोर के ऑल ऑफिस पिंक वॉल टू वॉल कारपेट नहीं होगा तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ऑफिसेस ऑफ द दाइन फ्लोर हैज पिंक वॉल टू वॉल कारपेटिंग इज ट्रू अब ये थर्ड है सम मतलब नॉट ऑल कुछ जैसे ये सौ है तो हो सकता है इसमें से पचास पचास टेप्स हैं वो डिस्क है अब ये पचास टेप डिस्क थे हो सकता है इसमें से थर्टी जो है डिस्क वो कैसेट्स है अब इस थर्टी में से हो सकता है टेन जो हैं वो हैं दिस सॉन्ग्स तो जो टेन बचे यहाँ पे वो सॉन्ग्स भी हैं और दिस ये भी हैं क्या है टेप भी है तो सम सॉन्ग्स आर दिस डिस्क सम सम सॉन्ग्स आर आर डिस्क और कैसेट्स दिस 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 तो फर्स्ट और फोर्थ को देखिए सम सॉन्ग्स आर डिस्क यहाँ से हो सकता है कुछ फिल्टर होके सॉन्ग्स बचे हों या फिर नो सॉन्ग्स आर डिस्क और ये भी हो सकता है यहाँ से जो डिस्क सॉन्ग आया वो डिस्क था ही नहीं हो सकता है इधर ही फिल्टर आउट हो गया हो तो या तो ये सही है या ये सही है ओनली इधर वन और फोर फॉलो अब ये सवाल बताइए डायरेक्शन का डायरेक्शन में हमेशा ध्यान रखना है ऐसे ड्रॉ करिए ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है ये वेस्ट है ये दोनों के बीच का और हर डायरेक्शन को हर पॉइंटर पे चेंज करते जाइए right यू विल गेट द राइट आंसर और पाथाकोरसूरम यू शुड नो रसिक वॉक्ड ट्वेंटी मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन ही टर्न राइट राइट मतलब दिस टूवर्ड्स ईस्ट एंड नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है और अगर साउथ की तरफ होगा तो फिर राइट चेंज हो जाएगा तो रसिक वॉकड ट्वेंटी मीटर टू नॉर्थ